उत्तर प्रदेश के बस्ती में सुबह भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बस्ती अयोध्या हाईवे पर पुरैना कटिया गांव के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। भयानक हादसे में पति पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है और 13 साल की बच्ची बाल बाल बच गई। ये सभी कार से लखनऊ से झारखंड जा रहे थे। बताया जा रहा है कि चालक को झपकिया जाने के चलते कार कंटेनर से जा भिड़ी। आज प्रातः 5:30 बजे थाना नगर की मुटैया चौकी के पास में लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले हाईवे पर एक SX4 गाड़ी का कंटेनर के पीछे लग जाने से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये परिवार अब्दुल अजीज मिस्त्री का परिवार है। इनको कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि इनकी माता जी का देहांत हो गया है, इसलिए ये परिवार लखनऊ से झारखंड की तरफ जा रहा था। आज प्रातःकाल 5:30 बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट कंटेनर में घुस जाने से हुआ, जिसमें 5 लोगों की बॉडी अंदर पल गई थी, जिसको पुलिस के द्वारा गैस कटर और अन्य चीज़ों से काट करके बॉडी निकाली गई। इनके परिवार की एक बेटी सुरक्षित है, इसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है। और ये गाड़ी चलाने वाला चालक घायल हो गया था, जिसको नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया था। मौके पर पुलिस है, पुलिस किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। हम सभी लोगों ने घटना का निरीक्षण कर लिया है। मृतकों के परिजन आ गए हैं, उनकी मदद से आगे की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। News desk.